41 पर बहुमत है और 49 साथ थे, सिर्फ 43 राजभवन आए। ये आपको कल की बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं। अभी तक जो बहुमत, जो विधायकों का साथ सामने आया है उसके बारे में जानकारी है। कल्पना सोरेन के नाम पर असहमत थे 4 विधायक, 4 एमएलए नहीं आए, जैसा हम बता भी रहे थे आपको। राजभवन नहीं आए 4 विधायक भी चंपई के साथ है, यानी उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारा समर्थन है। अब देखिए फाइनल आंकड़ा कितना हो गया, 43 विधायकों के सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट कल राज्यपाल के सामने रखा गया और बाकी के जो 4 विधायक है जो कल अनुपस्थित रहे लेकिन उन्होंने हामी भरी है चंपई सोरेन के नाम पर, अगर 43 और 4 विधायकों को मिला देते हैं तो कुल संख्या हो जाती है 47। बहुमत के लिए कितने विधायकों का साथ होना चाहिए, 41 पर। तो इसका मतलब यह है कि बहुमत का आंकड़ा तो कम से कम पार कर लिया है जेएमएम ने। चंपई का दावा पेश किया गया है लेकिन अभी निमंत्रण यानी कि न्योता नहीं मिला है सरकार बनाने का। एक और बड़ी खबर है, गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का बयान। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक कविता लिखी है, ये एक विराम है जीवन महासंग्राम, हर पर लड़ूंगा समझौते की भीख नहीं लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो देखिए हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। कल ईडी ने उनसे 9 घंटे के करीब पूछताछ की थी और उसके बाद 9:30 बजे के करीब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट में पेशी भी होनी है, ईडी कोर्ट में पेश करेगी हेमंत सोरेन को। लेकिन इससे पहले हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और ये देखिए हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो लिखते हैं ये एक विराम है जीवन महासंग्राम, हर पल लड़ा हूं और हर पल लड़ूंगा। ये सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है हेमंत सोरेन की ओर से, लेकिन समझौते की भीख मैं नहीं लूंगा। तो ये हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो हेमंत सोरेन लिखते हैं, लघुता न अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो। तो ये कविता लिखी गई है हेमंत सोरेन की ओर से, अपने लोगों के हृदय की वेदना हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कल ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें 9:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया था और उसके बाद यह हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया पोस्ट सुर्खियों में बना हुआ है।